अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है चना पुलाव, और ये चने वाला पुलाव कैसे तैयार होगा, इसकी रेसिपी क्या है, ये जानते हैं ममा से। जी ममा, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चने उबाल लिए आधी कटोरी, ठीक है। एक बड़ा सा प्याज ले लिया मैंने, घी भी डाल दिया इसमें, तेल, ठीक है। आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच ज़ीरे का, तो ये 1.5 चम्मच दादरी मिर्च का, 1 चम्मच लहसुन अदरक का, ये 1.5 चम्मच नमक का, ठीक है। तो ये वो स्पाइसी है जो हम लोगों ने, एक टमाटर भी, ठीक है। तो ये स्पाइसेस हम लोगों ने इसमें ऐड करने हैं। तो आज बहुत ही मज़ेदार सी जो सी हमारी चनों वाले चावल या चना पुलाव, ये रेसिपी हम आपको तैयार करना सिखा रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखना है कि मज़ेदार सी जो सी हमारी आज चावलों की रेसिपी, जो चने वाले चावल हैं, जो चना पुलाव है, वो कैसे तैयार होगा। तो हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। जी, तो व्यूअर्स, हम लोगों ने जो सी आज की हमारी रेसिपी है चनों वाले चावल चना पुलाव, उसको हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। तो हम लोगों ने पहले क्या किया कि जो हम लोगों ने एक अदद प्याज दिया था बड़े साइज़ का, उसको काट कर देचकी के अंदर रख दिया है। देचकी में हम लोगों ने जो सा है कुकिंग ऑयल वो शामिल कर दिया है। अब इसको हम लोग ब्राउन करेंगे, डार्क हमने कलर देना, क्योंकि जिस तरह के आपके प्याज होंगे उस तरह के आपके चावलों का कलर आएगा। तो जिस तरह के आप लोगों ने प्याज करने हैं, अगर आप लाइट करेंगे तो चावलों का कलर भी लाइट होगा। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्याज काले नहीं करने, क्योंकि प्याज काले करते हैं तो चावलों का कलर बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाएगा, और दूसरा ये कि चावलों में ज़रा करवाहट भी हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर प्याज़ों को ब्राउन कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि मज़ेदार से जो सी हमारी चना पुलाव की जो सी रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। जी, तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर जो प्याज है ब्राउन कर लिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस हद तक हम लोगों ने इनको ब्राउन करना है, कितना हम लोगों ने इनको कलर देना है, क्योंकि मैंने यहाँ से पहले भी अभी तस्करा किया था इस चीज़ का कि ज़्यादा हम लोगों ने इनको काला नहीं करना। अब हम लोग मम्मा क्या डालेंगे इसके अंदर, ये सारी चीज़ें ना, ये देखें ना, ओह मतलब बहुत बड़ा टमाटर मसाले सारे डाल रहे हैं। तो हम लोगों ने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, चने वो और टमाटर, ये सारी चीज़ें। आप लोगों ने हमारी वीडियो को पूरा देखा तो आप लोगों को पता होगा हम लोगों ने कौन कौन से मसाले लिए हैं, वो हम लोगों ने सबसे पहले इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसको अच्छी तरह से हम लोग मिलाएँगे, इसका मसाला तैयार करेंगे, और उसके बाद फिर जो हम लोग अपनी रेसिपी को फर्दर बनाएंगे। तो पहले हम लोगों ने चने डाल के इसको अच्छी तरह से इसका जो मसाला है वो तैयार कर लेना है। सारे नमक मिर्च हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिए, वही जो मिकदार हमने आपको बताई है, आपको पता होगा अगर आपने हमारी वीडियो को देखा है। तो हम लोगों ने इसके अंदर चने डाल दिए हैं और सारे मसाले डाल दिए। अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी भी शामिल कर दिया। अभी वो मसाले लगे हुए थे ना प्लेट को, तो वो मैंने डाल दिए, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। चने को हम लोग यहाँ पर भून रहे हैं, चने हमारे जो हैं वो भूने जा रहे हैं। हम 2-3 मिनट भूनते हैं ना, इसको भूनते हैं, फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। ये ले व्यूअर्स, अब हम लोगों ने इनको अच्छी तरह से भून लिया है। अच्छा, ये चनों का जो पानी था वो भी मैंने डाल दिया, ठीक है। तो वो पानी जिसके अंदर हम चने बॉईल किए थे, हम लोगों ने वो पानी भी वेस्ट नहीं किया, उसको भी हम लोगों ने शामिल कर दिया ताकि जो टेस्ट है वो चावलों का अच्छा बन जाए। तो हम लोग व्यूअर्स आज जो सी रेसिपी तैयार कर रहे हैं वो है चने वाला पुलाव, चना पुलाव हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसके फर्स्ट स्टेप में इसके प्याज को ब्राउन किया है, उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो है चने डाले हैं, नमक मिर्च सब कुछ डालने के बाद भूना अच्छी तरह, और फिर हम लोगों ने पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया। इसको एक उबाला आता है, एक बार लगे, फिर हम उसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। हाँ, चावल डालते हैं, चावल डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी, तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि चावल हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो से हमारे आज चनों का पुलाव हम लोग तैयार कर रहे हैं। जो चने थे उनके जो पानी को हमने एक दफ़ा उबाला दिला लिया था, और उसके बाद हम लोगों ने इनको पकने के लिए रख दिया था। अब जो हमारे जो चने हैं पक चुके हैं, उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो चावल है वो शामिल कर दिए हैं। तो अब पानी खुश्क करने के बाद हम इसको दम पर लगाएंगे, और नमक मिर्च इसके अंदर बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोगों ने चेक करनी हो तो आप लोग इस स्टेज के ऊपर मतलब नमक मिर्च कम तो नहीं है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे तो आप अगर कोई कमी पेशी हो तो किसी चीज़ को शामिल कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद फिर आप अगर चावल डाल लें तो फिर दोबारा पानी खुश्क हो जाए तो कुछ भी शामिल नहीं कर सकते, इसलिए आप यहाँ पर अगर कोई चीज़ शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने चावल डाल दिए हैं। अब हम लोग ये जो पानी है इसको खुश्क होने का वेट करेंगे, जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम उसके बाद इसको दम पर लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं व्यूवर्स आप लोगों को जो सी हमारी आज की चनों वाले चावल चना पुलाव उसकी रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चने गल गए हमारे, चने भी गल गए हैं और हम पानी खुश कर रहे हैं और उसके बाद इसको दम पर लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर खुश्क हो रहा है। अभी पानी खुश्क नहीं हुआ, जब खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पर लगाएंगे। तो इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो से हमारे चावल है तकरीबन तैयार होने वाले हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले ज़बरदस्त इसका रंग लग रहा है और चने भी कितने अच्छे से गल गए हैं। तो अभी हम लोग इसका वेट करते हैं, पानी खुश्क करते हैं, उसको दम पर लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो व्यूवर्स आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और देखना है जो से हमारी मज़ेदार सी चने वाले चावल चना पुलाव की रेसिपी कैसे तैयार होगी। ये ले व्यूवर्स, अब आप लोग देख सकते हैं कि जो पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम पर रख रहे हैं। जी तो व्यूवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त जो से हमारे चावल हैं ये तैयार हो गए हैं। तो खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। देखिए अकेला अकेला दाना है, खिले खिले चावल हैं, चने भी गल गए हैं। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से जो से चावल बन गए हैं। चनों वाले चावल आज हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इसको बनाएं और हमें अपनी फ़ीडबैक दें कि ये जो चने वाले चावल हैं हम लोगों ने कैसे सिखाए हैं और आप लोगों का तरीका क्या है। आप लोग भी कैसे तरीके से चावल बनाते हैं और इसी तरह अगर बनाते हैं तो आप लोग हमें अपनी जोन सी है रेसिपी उसके हवाले से हमसे डिस्कस करें, हमें बताएं कि आपके घर में कौन से चावल पसंद किए जाते हैं, चिकन वाले या चनों वाले। तो आज हम लोगों ने आप लोगों को चनों वाले जोन से चावल है वो भी सिखा दिए। ये देखें ये है इसका फाइनल लुक। तो गर्मा गर्म से जो से चावल है इसको दही के रायते के साथ आप लोग सर्व करें और एंजॉय करें। ये नहीं जी देखिए चने भी कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, चने भी गल गए हैं और धुआं भी निकल रहा है, चावल भी खिले खिले हैं। और सबसे बढ़कर जो अच्छी चीज़ लग रही है वो है इसका कलर। कलर बहुत ज़बरदस्त आया है क्योंकि पहले भी आप लोगों से कहा गया था कि जो अगर आप लोग प्याज ज़्यादा कलर के कर लेंगे तो चावलों में भी कड़वाहट सी आ जाएगी और कलर जो सा है वो अजीब सा हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने जब प्याज ब्राउन करने होते तो बहुत एहतियात की जाती है उस चीज़ में। तो ये लें, तो कलर इनका देख लें आप कितना ज़बरदस्त है। तो व्यूवर्स अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ गो, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।